इससे पहले मैं अपनी बांग्लादेश ट्रिप के सेकेंड एपिसोड पर ढाका के कुछ प्लेसेस एक्सप्लोर कर चुका हूँ। बट अगेन आज मुझे मौका मिला है वर्ल्ड मोस्ट डेंस सिटी ढाका को और एक बार एक्सप्लोर करने का। बट ये एपिसोड थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज मैं कोई आइलैंड, बीच, सिटी ये सब नहीं दिखाने वाला हूँ। आज आप इस वीडियो पर देख पाएंगे ढाका की वन एंड ओनली गाजीपुर बंगबंधु सफारी पार्क। Hey guys, good morning from Dhaka, Kamalapur railway station. अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोग जस्ट फॉक्स बाजार से वापस आए हैं ढाका पर। आज रात का जो प्लान है हम लोग जाएंगे सिलेट। फॉक्स बाजार था एक साइड एंड सिलेट एक साइड है, ढाका मिडिल में पड़ता है। अभी चलते हैं, थोड़ा वॉशरूम में जाते हैं एंड वापस आके हम लोग जाएंगे सफारी पार्क। आगे जाते जाते आप लोगों को बताता रहता हूँ, ठीक है। ऐसा तो प्लान कर रहे थे कमलापुर रेलवे स्टेशन के आसपास एक होटल लेकर फ्रेश होके घूमने जाने के लिए, बट आज रात को ही हम लोग बांग्लादेश की हिल स्टेशन सिलेट के लिए निकलने वाले थे, इसलिए होटल का प्लान स्किप कर दिया और कमलापुर रेलवे स्टेशन के साइड में ही वॉशरूम भी साफ सुथरा मिल गया था। सो फ्रेश हो चुके हैं, अभी हम लोग रेडी है सफारी पार्क जाने के लिए। सारे जो हम लोग का सामान था वो यहाँ पर जो बस काउंटर है यहाँ पर रख दिया। मैं आप लोग को 2-3 चीज़ बता दे रहा हूँ, ये अच्छे से सुनना, स्किप मत करना। नंबर 1, यहाँ पर किसी भी स्टेशन पर क्लॉक रूम या फिर लॉकर रूम का फैसिलिटी नहीं है। ढाका में 2 रेलवे स्टेशन है, एक है कमलापुर रेलवे स्टेशन, एक है ढाका कंटेनमेंट रेलवे स्टेशन। ये दोनों स्टेशन में ही कोई क्लॉक रूम फैसिलिटी नहीं है। बट यहाँ पर जितना भी बस काउंटर है यहाँ पर बस फैसिलिटी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे बस मिलता है। जितना भी सामान है ये सामान आप बस काउंटर पर रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर काउंटर स्टेशन जैसा बनता है। यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, वॉशरूम है, आप फ्रेश हो सकते हैं, सामान रख सकते हैं, आप पूरे दिन यहाँ पर इंतज़ार भी कर सकते हैं। तो ये हुआ नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको ऐसे कुछ वॉशरूम में जाना है, अगर कमलापुर में आने के बाद वॉशरूम में जाना है तो वॉशरूम बेस्ट है स्टेशन के अंदर। स्टेशन के अंदर वॉशरूम अच्छा लगा क्योंकि आपको अपना जूता पहन के भी अंदर जाना नहीं देता है, आपको जूता बाहर खोल के रखना होगा। उन लोगों के वहाँ अलग जूता है वो पहन के आपको जाना पड़ेगा और साफ सुथरा लगा, मुझे अच्छा लगा। नंबर 3, यहाँ पर जो जैम है जैम का कोई लिमिट नहीं है। अगर जाम शुरू होता है तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कब जाके ख़त्म होगा किसी को कुछ पता नहीं है। मैं जो टूर प्लान वीडियो बनाऊंगा बांग्लादेश के ऊपर, आज से पहले कोई इंडियन यूट्यूबर वैसा वीडियो बनाया नहीं है, तो वो वाला वीडियो मस्ट भी देखना। तो चलते हैं अभी गाजीपुर सफारी पार्क। थोड़ा बोरिंग हो गया लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको जानना ज़रूरी था। इस साइड आ जाओ। कमलापुर रेलवे स्टेशन से गाजीपुर सफारी की डिस्टेंस है अराउंड 55 किमी, जो ढाका सिटी की थोड़ा बाहर की तरफ पड़ता है। हमें कमलापुर रेलवे स्टेशन के बाहर से डायरेक्ट बस मिल रहा था सफारी पार्क जाने के लिए, लेकिन भीड़ में फंस जाने के डर से हम लोग 500 बांग्लादेशी टका देकर एक CNG बुक कर लिए थे आधा रास्ता पार करने के लिए। अभी हम लोग पहुंचे आधा रास्ता ढाका से डायरेक्ट जो गाजीपुर बंगबंधु सफारी पार्क है वहां तक डायरेक्ट कोई CNG नहीं चलता है, मतलब बस चलता है लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। अराउंड 20 किमी पार करने के लिए हम लोगों को 1 घंटा लग गया CNG से ही। तो बस से आप लोग को समझ में आ रहा है कि पूरा रास्ता जाने में लगभग 3 घंटा लग जाएगा। तो 500 रुपये पड़ा, ठीक है, आधा रास्ता आने तक। अभी ये जो पॉइंट है इसका नाम है अब्दुल्लापुर। अब्दुल्लापुर से फिर से हम लोगों को ऑटो मिलेगा उस साइड जाने का, मतलब गाजीपुर तक जाने का। चलते हैं, ज़्यादा लेट ना करके जल्दी से निकलते हैं अब नेक्स्ट CNG पकड़ के, ठीक है। तो अब्दुल्लापुर CNG से उतरने के बाद हम लोग जब पूछे और एक CNG को गाजीपुर बंगबंधु सफारी पार्क जाने के लिए, तो रेट बोल रहा था 1200 रुपये, 1200 टाका बांग्लादेशी टाका, तो वो ज़्यादा लगा मुझे। और बांग्लादेश की ढाका में मैंने देखा कि जो ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज है बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो अगर छोटा सा जगह भी जाएंगे आप तो 200-300 रुपये नॉर्मली आपको CNG में ले लेगा, 200-300 बांग्लादेशी टाका। तो इसलिए हम लोग थोड़ा बांग्लादेश की जो बस है उसको भी एक्सप्लोर कर ले, लोकल बस है। नॉर्मली गाजीपुर के लिए बहुत बस चलता है ढाका टू गाजीपुर। हम लोग तो मिडिल में आए गए थे CNG से, अभी वहाँ से मिडिल पॉइंट से अब्दुल्लापुर से अभी जा रहे हैं CNG से भवानीपुर चौक, और वहाँ से फिर से हम लोग एक ऑटो या फिर टुक टुक लेंगे गाजीपुर सफारी पार्क तक। पता नहीं क्यों हम लोग प्लान किए थे इस पार्क को देखने के लिए। ऐसे तो ढाका की और भी बहुत सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए बाकी था, लेकिन बीच, आइलैंड, सिटी देखते देखते बोर हो गए थे शायद, इसलिए सोचा
थोड़ा वाइल्ड लाइफ भी बांग्लादेश की देख लेते हैं। मैं आप लोगों को ब्रेक जर्नी करके सफारी पार्क में आने की प्रोसेस दिखा रहा हूँ, बट बेस्ट है आप ढाका से डायरेक्ट बस और कैब करके ही सफारी पार्क विजिट कीजिए। ऐसे तो ट्रेन का भी ऑप्शन है, जिसके बारे में आपको वीडियो की लास्ट में पता चल जाएगा। ऑटो करके सफारी पार्क पहुंचने के बाद टिकट प्राइस सुन के थोड़ा हैरान हो गए थे हम लोग। लोकल पीपल के लिए टिकट प्राइस था 50 बांग्लादेशी टका, और वहीं पर फॉरेनर्स या फिर इंडियन पीपल के लिए 1000 बांग्लादेशी टका पर पर्सन टिकट प्राइस लग रहा था। इवन पार्क के अंदर दो पार्ट है, हर एक पार्ट को एक्सप्लोर करने के लिए आपको अलग से टिकट खरीदना पड़ेगा। सो फाइनली अंदर आ चुके हैं। सबसे पहले अंदर आके ही एक आपको गार्डन देखने को मिलेगा। गार्डन के बाद ही अंदर एक जगह लिखा है वेलकम टू कोर सफारी, तो उसके लिए 150 रुपीस देना होगा आप लोगों को, 150 बांग्लादेशी टाका देना होगा। देन एक बास में करके, छोटा सा बास में करके लगभग 25 जन रहेगा, आप जाएंगे कोर जंगल के अंदर जहाँ पर सारे जो एनिमल्स है वो केज के अंदर नहीं है, ठीक है, ओपनली है, जैसे कि लायन केज होगा, टाइगर केज होगा, ऐसा कुछ केज होगा। तो देखते हैं कैसा है और आप लोगों को भी दिखाते हैं। कोर जंगल सफारी की बास में फास्ट सीट में बैठकर शूट करने के लिए हम लोग अराउंड आधा घंटा वेट कर रहे थे, और बाद में जाके बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली मुझे मिल गया था फ्रंट के सीट। देन शुरू हुआ कोर जंगल सफारी, जहां पर हम लोग बास के अंदर थे और बाकी सारे एनिमल्स खुले आम घूम रहे थे। अंदर जाते ही सबसे पहले दर्शन मिला कुछ जेब्रा का, और जेब्रा के आसपास में कुछ हिरन भी घूम रहा था। देन हम लोग एंटर किए डियर पार्क में, और भी बहुत सारे हिरन देखने के लिए। कैमरा में उतना अच्छा तो कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन जितना हो पाए आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं। हिरन देखने के बाद हम लोग अभी पहुंच गए थे भालू मामा को देखने के लिए। भालू मामा तो अपने ही मजे में थे, मानो कि हम लोग है ही नहीं। यहां पर हमें दो भालू देखने को मिला था, और उसके बाद चले गए शेर देखने के लिए। बट शेर के केस में हम लोग एकदम पास में बहुत सारे शेर, शेरनी, शेर के बच्चे, पूरे फैमिली को ही देख पा रहे थे। देख के लग रहा था अगर मैं बास से उतर जाता हूँ तो शेर के पूरे फैमिली अभी क्या अभी कच्चा चबा जाएगा मुझे। बट टू बी ऑनेस्ट, शेर की इतना पास से व्यू देखने के बाद कहीं ना कहीं मन हुआ 1000 रुपीस बेकार नहीं गए। टाइगर के केस में हम लोग थोड़ा अनलकी थे। टाइगर भैया तो हम लोगों से बहुत दूर खड़ा था, थोड़ा सा भी भाव नहीं दे रहा था, तो हम लोग दूर से ही देखकर ज्यादा इंतजार नहीं किए और निकल गए कोर जंगल से, और यहीं पर खत्म हुआ हम लोग के कोर जंगल सफर। तो सफारी राइड तो हो गया, कोर सफारी राइड बहुत ही बढ़िया लगा भाई। मतलब अंदर जाने के लिए 1000 रुपये देना पड़ा था हम लोगों को, मतलब इसके अंदर जाने के लिए, और बास के लिए 150 टका और 1000 टका टोटल, तो अराउंड 1150 टका टोटल लगा इसके लिए। बट सच कहो लायन का जो व्यू था तो देखने के बाद लगा कि भाई ठीक है, ऐसा पैसा मैं देने के लिए रेडी हूँ। आज सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ हम लोगों का देखा जाए तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट में, अभी तक ठीक से खाना वाना भी नहीं खाए, राइट। तो अराउंड सिर्फ आने में इतना खर्चा हुआ, अभी जाने के भी खर्चा है, और रात के 11:30 बजे हम लोग का एक बस भी है सिलेट जाने के लिए। देख रहे कैसे चिड़िया का साउंड आ रहा है, तो चलते हैं इसके अंदर, ठीक है। कोर सफारी हो जाने के बाद अभी हम लोग चले गए थे पार्क की सेकेंड पार्ट को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसका नाम था सफारी किंगडम। यहाँ पर भी हम लोग को अराउंड 2 जगह पर 70 बांग्लादेशी टका देकर टिकट खरीदना पड़ा था पार्क के अंदर और भी सारे एनिमल्स देखने के लिए। तो ज्यादा बातें ना करके सिनेमैटिक शॉट के जरिए देख लेते हैं इस पार्क की और भी सारे एनिमल्स को एक के बाद एक। ऐसे तो मेरे पास कोई वाइल्ड लाइफ शूट करने का कैमरा नहीं है, बट फिर भी मैं ट्राई किया हूँ जितना मेरे से हो पाया है उतना आप लोगों को कैप्चर करके दिखाने का। सो लेट्स स्टार्ट, 3, 2, 1।
सफारी पार्क देखने के बाद हम लोग फिर से एक टुक टुक बुक कर लिए थे 60 बांग्लादेशी टाका देकर भवानीपुर मोड़ तक जाने के लिए, जहां से हमें ढाका के लिए बस मिलेगा। बस में चढ़ने से पहले बहुत भूख लग रहा था, इसलिए हम लोग वहीं पर एक लोकल शॉप से कुछ खाना खा के चढ़ गए थे ढाका की बस में। टाइम हो रहा था शाम के 7 और बस के अंदर पता चला ज्यादा जाम होने के वजह से हमें अराउंड 5 घंटा लग जाएगा ढाका पहुंचने के लिए। बट एक लोकल पर्सन ने हमें सजेस्ट किया बस की जगह अब ढाका के कमलापुर रेलवे स्टेशन तक 1 घंटे के अंदर जा सकते ट्रेन से चढ़ के। तो ज्यादा देरी ना करके हम लोग बस से जल्दी से उतर गए थे सालना बाजार बोल के एक मार्केट के पास, एंड वहां से हम लोग पहुंच गए थे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जयदेवपुर। स्टेशन में पहुंचने के बाद पता चला बांग्लादेश में 2 टाइप के ट्रेन सर्विस चलता है। नॉर्मल सारे लोकल ट्रेन हैंडल करता है प्राइवेट कंपनी, एंड जितने भी इंटरसिटी लॉन्ग रूट ट्रेन है उसे हैंडल करता है बांग्लादेश गवर्नमेंट। तो अगर कोई लोकल ट्रेन स्टेशन में आता है उसका अनाउंसमेंट स्टेशन में होने के बाद ही आप स्टेशन के बाहर की तरफ एक प्राइवेट काउंटर से टिकट खरीद सकते हैं। टिकट काउंटर में बहुत ज्यादा भीड़ था, हम लोग सोच रहे थे शायद ट्रेन भी हम लोग का आज मिस हो जाएगा, लेकिन वहीं पर हम लोग एक लोकल भैया मिल गया था जिन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प किए थे टिकट खरीदने के लिए एंड इस सारे चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। बहुत ही ज्यादा हेल्प किया भैया ने, मतलब हम लोग सोच रहे थे कि सिलेट का बस मिलेगा कि नहीं, लेकिन पहली बार बांग्लादेश में ट्रेन जर्नी करने वाले इस भैया के वजह से। सुबह ढाका से आने के लिए हम लोग अराउंड 1000 बांग्लादेशी टाका खर्च कर लिए थे, लेकिन अभी लोकल ट्रेन से जस्ट 30 बांग्लादेशी टाका देकर हम लोग पहुंचने वाले थे कमलापुर रेलवे स्टेशन। वो कहता है ना, अगर इंफॉर्मेशन पता ना हो तो आप कहीं पर भी जाकर बेवकूफ बन सकते हो। बाय द वे, मैं इस टाइम बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि मुझे मौका मिल गया था बांग्लादेश की ट्रेन जर्नी करने के लिए। यहाँ पर सारे ट्रेन डीजल से चलता है और ट्रेन में कुछ रास्ता जाने के बाद हमें मिल गया था विंडो वाला सीट। सो अभी बैठे हैं हम लोग समलीपुर जोन के जो बस काउंटर है वहाँ पर जा सकते टिकट कर लेते कमलापुर रेलवे स्टेशन के एकदम अपोजिट साइड में, ठीक है। जिस दिन से हम लोग बांग्लादेश पहुँचे उस दिन से लास्ट मतलब 6 दिन से आई थिंक 6 दिन में लास्ट 3 दिन ऐसा 3 दिन गया जब हम लोग सिर्फ बस में ही जर्नी कर रहे थे। आज जाके पहली बार ऐसा हुआ था कि लोकल ट्रेन में हम लोग जर्नी किए। अभी तो और भी बहुत कुछ बताना है हम लोग को, क्या करना चाहिए क्या नहीं। ट्रिप में मैं जो सोच के आता ऐसा बहुत कम ही हुआ। हम लोग जा रहे हैं सिलेट जो मेघालय इंडिया का मेघालय का एकदम बगल में है। मैं जब मेघालय गया था दाउकी बोल के एक प्लेस गया था, आप लोग को याद है, जब उस टाइम पे मैं दिखाया था कि ये है बांग्लादेश एंड इंडिया बॉर्डर। इस बार मैं सिलेट की इस पास से इंडिया को दिखाऊंगा। तो और भी बहुत सारे कुछ होने वाला है, ज़्यादा बातें ना करके चलते हैं बस पे। अभी टाइम है 11:25 और 5 मिनट में बस है हम लोग। सिलेट जाने के लिए हम लोग श्यामली परिवहन की नॉन एसी बस में चढ़ गए थे जिसका टिकट लगा था 1400 बांग्लादेशी टाका। इससे पहले मैं बांग्लादेश की एसी बसेस आप लोगों को दिखा चुका हूँ, तो इसलिए आज नॉन एसी बस चूज किए थे आप लोगों को दिखाने के लिए। ऐसे तो बस का कंडीशन अच्छा ही था, हम लोग रात को आराम से सोते सोते पहुंच गए थे नेक्स्ट दिन सिलेट में। तो इस एपिसोड को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर बांग्लादेश की फेमस हिल स्टेशन नियर इंडिया सिलेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। जो दी तोर डाक सुने क्यों ना आशे, कभी एकला चलो रे, जो दी तोर डाक सुने।